हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं गुजरात जीडीएस 2020 के वेरिफिकेशन के ऊपर। दोस्तों बात की जाए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के ऊपर, क्योंकि यह वीडियो में 3-4 लोगों के कमेंट आए थे उसके ऊपर मैं ला रहा हूँ, क्योंकि आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा तो काफ़ी अच्छी बात है। दोस्तों काफ़ी मुझे अच्छा लगा, 3-4 लोगों ने मतलब 4-5 लोगों का ऐसा कमेंट आया है जो सुन के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। कि 3-4 लोगों ने व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया था और यहाँ पे वीडियो के नीचे भी कई लोगों के 2-3 लोगों के कमेंट आए थे। तो यहाँ पे बात की जाए दोस्तों कि उन लोग का सिलेक्शन हो गया है, और सिलेक्शन होने का सबसे अच्छी बात है कि जहाँ पे मैंने उन लोगों को बताया था कि अगर आपका कम परसेंटेज है, अगर यहाँ पे आप अप्लाई करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों काफ़ी अच्छी बात है, मैं आपको कमेंट भी दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे जीडीएस के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऊपर, ताकि गुजरात जीडीएस के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोग अच्छे से कर सकें और सिलेक्शन ले सकें। तो दोस्तों बात की जाए इस वेरिफिकेशन में क्या क्या लगने वाला है, क्या प्रोसेस होता है, आपको अच्छे से जानकारी मिलेगी। आप लोग वीडियो को स्किप ना करें दोस्तों, सबसे अच्छी बात है कि आप लोग स्किप ना करें, क्योंकि इस वीडियो में आपको सुनने को बस मिलने वाला है कि क्या प्रोसेस होता है। अगर आपके किसी दोस्त का सिलेक्शन हुआ है जीडीएस में तो उसके वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि उसको भी वेरिफिकेशन प्रोसेस पता चले और उसका भी सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए सीधा बात करते हैं इसके मेन टॉपिक के ऊपर, आपका टाइम वेस्ट न करते। चलिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि आपके वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। दोस्तों बस आप लोग ध्यान से सुनते रहिए, वीडियो को स्किप ना करें, नहीं तो आप लोग अच्छी इन्फॉर्मेशन खो देंगे। तो आप लोग बस वीडियो में बने रहे और आप डिटेल से सुनते रहिए, क्योंकि आगे का प्रोसेस बहुत काफ़ी शानदार होने वाला है। और आप तक जब तक सिलेक्शन हो गया है तो दोस्तों आप स्किप ना करें, बने रहे वीडियो में ताकि आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले। तो चलिए सीधा बात करते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। सबसे पहले बात की जाए तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है फोटोकॉपी। दोस्तों बात की जाए फोटोकॉपी लगने वाला है, पर कितना फोटोकॉपी लगेगा आप लोग के माइंड में यह डाउट होता है। दोस्तों इंटीमेशन लेटर जो आता है उस पर 6 फोटोकॉपी, मतलब कि उन लोगों द्वारा बोला गया होता है, पर आप कम से कम 10 फोटोकॉपी लेके जाएं। दोस्तों 10 फोटोकॉपी होगा तो आप फोटोकॉपी ज़्यादा रहेगा तो कुछ प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, बट कम हो जाएगा तो फिर आप इधर उधर जाएंगे, टाइम वेस्ट होगा, तो उसे कुछ मतलब होने वाला नहीं है। तो कम से कम आप 10 फोटोकॉपी रेडी करके रखें। दोस्तों बात की जाए अब कौन से फोटोकॉपी होने चाहिए, क्या फॉर्म वाले फोटोकॉपी होने चाहिए। तो दोस्तों मैं क्लियर कर दूं कि अगर आप जब फॉर्म अप्लाई करते समय अगर आपके पास वो फोटोकॉपी है तो काफ़ी अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप लोग नया भी निकलवा सकते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाले हैं। फोटोकॉपी से आप रिजेक्ट नहीं हो सकते, थोड़ा मोड़ा डिफरेंस होगा तो भी आप रिजेक्ट नहीं हो सकते, तो उसका टेंशन ना लीजिए, आप लोग बस बने रहें। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि आप फोटोकॉपी कम से कम 10 रेडी करके रखें। अगला बात की जाए सबसे मेन आईडी की बात की जाए यहाँ पे, तो देख सकते हैं आधार कार्ड। दोस्तों आधार कार्ड से अगर आपने अप्लाई किया तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। दोस्तों आधार कार्ड नहीं है तो मैं वो भी उपाय बताऊंगा। अगर बात की जाए अगर आपने अदर आईडी से अप्लाई किया है तो अदर आईडी भी आपके होनी चाहिए। जैसे बात की जाए पैन कार्ड से अप्लाई किया है, या ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई किया है, या किसी और मीडियम से अगर आपने अप्लाई किया है तो आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। मेन पॉइंट की बात की जाए तो आप जिस सर्टिफिकेट से अप्लाई कर रहे हैं कम से कम वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अब बात की जाए अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो दोस्तों आप अपने निजी आधार केंद्र से जाके मतलब इसे बनवा सकते हैं। दोस्तों आधार केंद्र से जाके बनवा सकते हैं, क्योंकि इसमें आधार केंद्र मतलब लॉकडाउन के समय भी ओपन है, तो आप लोग आधार कार्ड जाके केंद्र आधार सेंटर से बनवा सकते हैं, जरूर जाके बनवा लें। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो भी आप अभी से इसका संशोधन करा सकते हैं, क्योंकि अभी आपके इंटीमेशन लेटर आने में टाइम आने वाले हैं। दोस्तों अगर आप लोग के ज़्यादा टाइम मतलब कमेंट आए तो मैं एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि आपके इंटीमेशन लेटर कब तक आएंगे, क्या प्रोसेस होता है और कितना लेट लगता है, इसके ऊपर भी बात की जाएगी। तो अगर आप लोग के कमेंट आए तो मैं वीडियो ला दूंगा, तो आप लोग बस बने रहें। यहाँ पर बात की जाए तो आधार कार्ड आधार केंद्र से आप संपर्क करके बनवा सकते हैं, बनवा लेंगे दोस्तों तो आधार कार्ड होने से आपका सिलेक्शन का चांस दोस्तों बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आप जरूर आधार कार्ड बनवा लें। दोस्तों बात कीजिए यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट। दोस्तों बात की जाए कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लगता है इसमें, पर आपको यह डाउट होगा कि कौन सा कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। तो दोस्तों बात की जाए तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट की बात की जाए तो आप अपने कॉलेज से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। दोस्तों कॉलेज से बनवा लेंगे या तो किसी साइबर वाले से भी बनवा सकते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे बात की जाए अगर आप कॉलेज से बनवा लेते हैं दोस्तों वो काफ़ी बेटर होता है, क्योंकि कॉलेज वाला ज़्यादा डिमांड में रहता है, उसका ज़्यादा मतलब कि उसकी ज़्यादा फैसिलिटी ज़्यादा क्वालिटी होती है, और बात की जाए वो काफ़ी मतलब कि एक्सपेक्ट भी किया जाता है, एक्सेप्ट भी किया जाता है। तो आप लोग कॉलेज वाला भी बनवा सकते हैं, कॉलेज वाला बनवा लेंगे तो काफ़ी अच्छा होता है आप लोग को वेरिफिकेशन के समय।
तो दोस्तों आप जरूर कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लें, या तो आप लोग मतलब आप बनवा सकते हैं इसको, मतलब कि ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर किसी साइबर वाले से भी बनवाते हैं तो मात्र 7 से 8 दिन में बन जाएगा दोस्तों, 7 से 8 दिन में बन जाएगा। और मतलब अभी आपके इंटीमेशन लेटर आने में काफ़ी टाइम है, तो उसके ऊपर वीडियो लाऊंगा, आप परेशान मत होइए। पर अभी आप इसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट का अपना अपना काम कर लीजिए। दोस्तों बात कीजिए यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट का दोस्तों खास इसमें वैल्यू नहीं होता है। अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है तो भी अच्छा है, अगर नहीं है तो भी कुछ प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो आपके पास, आई थिंक आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होगा ज़रूर, अगर है तो ले लें, नहीं तो इसमें कुछ प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। आपके पास इनकम सर्टिफिकेट हो या ना हो, इससे कुछ आपके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो आप जरूर मतलब जरूर इनकम सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो ले लें, अन्यथा आप बनवा भी सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। क्योंकि अब लाइफ का बात है तो 150 रुपये के लिए आप भाग नहीं सकते, क्योंकि आपका सिलेक्शन हो गया तो आप पीछे ना हटें। 150 रुपये के लिए पीछे हटेंगे तो फिर आप मतलब प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। बट मैं आपको क्लियर कर दूँ कि इसका कुछ उसमें जरूरत नहीं होता है, आप चाहें तो बनवा सकते हैं। तो उसे आप पास में रखेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। और दोस्तों बात की जाए इसके कितने कॉपी लगने वाले हैं, दोस्तों अभी तक जितना मैं डॉक्यूमेंट्स आपको बताते आया हूँ सबके, एक तो आपका ओरिजिनल होगा और यहाँ पे दो जेरोक्स कॉपी लगने वाले हैं। ध्यान सुन लीजिएगा, एक ओरिजिनल होगा और दो आपको जेरोक्स कॉपी लगने वाले हैं। यानी कि अभी तक मैंने आपको जितने डॉक्यूमेंट्स बताए उसके एक ओरिजिनल कॉपी और दो जेरोक्स लगते हैं, जेरोक्स जमा कर दिया जाता है। तो आप इतना समझ लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। दोस्तों बात कीजिए यहाँ पे देख सकते हैं रेसिडेंस सर्टिफिकेट चाहिए। दोस्तों बात की जाए रेसिडेंट यानी निवास प्रमाण पत्र, यह काफ़ी दोस्तों मेन होता है, यह बात की जाए काफ़ी मेन होता है आपके वेरिफिकेशन के लिए कि आप कहाँ से हैं और मतलब किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले इसको भी आप बनवा सकते हैं। बात की जाए अगर आपके पास है तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं है तो आप नया बनवा सकते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। नया भी रहेगा तो आपका सिलेक्शन में कुछ रुकावट नहीं आने वाली है, तो आप नया बनवा लें, किसी साइबर वाले से कॉन्टेक्ट करके आप नया बनवा सकते हैं। नया बनवा लेंगे दोस्तों तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दे, इसी प्रकार रियल और जेन्युइन वीडियो पाने के लिए। दोस्तों मैं आपको काफ़ी मतलब अच्छे वीडियो लाता हूँ और इन्फॉर्मेशन वीडियो होता है, आपको फालतू वीडियो मैं नहीं देता। तो बात की जाए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आपको रेसिडेंस सर्टिफिकेट लगने वाला, आप कैसे बनवाएंगे। आप तो चाहे तो आप अगर आप गाँव से बिलोंग करते हैं तो ग्राम प्रधान से बनवा सकते हैं, या तो सरपंच से बनवा सकते हैं, या तो आप न्यायपालिका में भी जाके बनवा सकते हैं, मतलब नगर पालिका में भी जाके आप बनवा सकते हैं। तो जैसे आपकी इच्छा हो उसके अकॉर्डिंग आप बनवा सकते हैं, जैसे आपको जल्दी पड़ जाए ग्राम प्रधान से या सरपंच से या नगर पालिका से, जैसे वो आप जिस तरह से जल्दी पड़े आप वहां से जाके बनवा सकते हैं। दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि अगला डॉक्यूमेंट्स क्या लगने वाला है। अगले डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट लगने वाला है। मेडिकल सर्टिफिकेट किन लोगों के लिए लगने वाला है, तो दोस्तों यहाँ पे जो हैंडीकैप लोग उन्होंने अप्लाई किया है उन लोगों के लिए मेडिकल यहाँ पे सर्टिफिकेट लगने वाला है। मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, तो अगर आप हैंडीकैप है तो आपके पास ऑलरेडी होगा, अगर नहीं है तो आप लोग यहाँ पे जाके अपने बात की जाए जिला अस्पताल पे जाके, तो जिला हॉस्पिटल पे जाके आप लोग बनवा सकते हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे जाके आप लोग बनवा सकते हैं। वहाँ पे आप किसी भी वहाँ के डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करके आप लोग बनवा सकते हैं, अगर आप हैंडीकैप ऑलरेडी हैं तो उसमें कुछ प्रॉब्लम होने वाला नहीं। अगर आप हैंडीकैप है तो आप लोग के लिए यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट दोस्तों सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है। दोस्तों हम लोग बात करते हैं अगले डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। दोस्तों बात की जाए यहाँ पे अगले डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बात की जाए तो यहाँ पे कंप्यूटर सर्टिफिकेट लगने वाला है। दोस्तों कंप्यूटर सर्टिफिकेट लगने वाला है और काफ़ी मेन रोल इसका होता है। दोस्तों पिछले साल मतलब बात की जाए UPGDS में, और बात की जाए यहाँ पे UPGDS में मेरे मतलब कई सब्सक्राइबर थे जिनका सिलेक्शन हुआ था, बट क्या है कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट के चलते वो लोग रिजेक्ट भी हो गए हैं। दोस्तों ऐसे बात की जाए 3 लोगों ने ऐसे मतलब मुझे जहाँ तक याद है कि 3 लोगों ने कमेंट किया था, और व्हाट्सएप पे भी उन लोगों ने मतलब अच्छे खासे उन लोगों से बात भी हुई थी। तो यहाँ पे बात की जाए कंप्यूटर सर्टिफिकेट के चलते वो लोग रिजेक्ट हो गए थे। तो दोस्तों बात की जाए क्या प्रॉब्लम थी, आप लोग बस ध्यान से सुनते रहिए। कंप्यूटर जो सर्टिफिकेट था कहीं कहीं CCC की वैल्यू हो रही है और कहीं कहीं DCA की। दोस्तों DCA की वैल्यू होती है, मतलब आपको मैं क्लियर कर दूँ, कहीं कहीं CCC एक्सेप्ट किया जा रहा है और कहीं कहीं DCA एक्सेप्ट किया जाता है, और कहीं कहीं और मतलब अलग ADCA सर्टिफिकेट भी एक्सेप्ट किए जाते हैं। तो जैसे बात की जाए दोस्तों तो आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट जो होगा, 2 होगा तो 2 ले लीजिए, 3 होगा तो 3 ले लीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा कंप्यूटर सर्टिफिकेट रहेंगे उतने ज़्यादा आपके सिलेक्शन के चांस बनते हैं, आप रिजेक्ट नहीं हो सकते हैं। तो जैसी इच्छा आप लोग ध्यान सुन लीजिए, कंप्यूटर सर्टिफिकेट आप अपना जरूर रख लें ताकि आपको वेरिफिकेशन में काफ़ी
आपका जल्दी सिलेक्शन हो जाए। तो आपको मैंने कंप्यूटर की प्रोसेस, कंप्यूटर सर्टिफिकेट की प्रोसेस के बारे में बता दिया कि क्या कैसे होता है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। दोस्तों यहाँ पे अगला जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है, आप लोग ध्यान सुन सकते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट। दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट सबसे मेन होता है कि आप किस कास्ट से हैं और किस कास्ट में आपने अप्लाई किया है। तो कास्ट सर्टिफिकेट इसमें मेन है। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास होगा तो काफ़ी अच्छी बात है, अगर आपके पास नहीं है तो आप बनवा सकते हैं। दोस्तों बात की जाए किसी साइबर वाले से कॉन्टेक्ट करके आप कास्ट सर्टिफिकेट जरूर बनवा लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। दोस्तों काफ़ी मतलब कि लॉन्ग वीडियो हो रहा है तो मैं जल्दी जल्दी बात करके ख़त्म करूँगा। दोस्तों बात कीजिए यहाँ पे हाई स्कूल के मार्कशीट, मतलब हाई स्कूल के यानी 10th क्लास के मार्कशीट की बात की जाए, क्योंकि इसी के मीडियम से आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था तो यह मेन है। अगर आपके पास है तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं है तो आप अपने कॉलेज में संपर्क करके इसे बनवा सकते हैं। दोस्तों बात की जाए कॉलेज में संपर्क करके बनवा सकते हैं। अगर आपका खो गया है तो कम से कम आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए और ओरिजिनल के साथ दो जेरॉक्स लगने वाले हैं। मैं आपको क्लियर कर दूँ कि ओरिजिनल के साथ दो जेरॉक्स लगने वाले हैं। आपके पास है तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं है तो आप लोग मतलब अपने कॉलेज से कॉन्टेक्ट करके इसे बनवा सकते हैं। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको और अच्छी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जाते जाते जो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि आपको और अच्छी वीडियो मिलते रहे। तो चलिए हम लोग वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।